पंडित जी, अब तुला राशि वालों के लिए बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय शनिदेव गोचर से तुला राशि में ही विराजमान है। तुला राशि में ही वक्री थे और तुला राशि में ही इस समय मार्गी हुए हैं। तो आपको चाहिए प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी रुकावटें दूर होंगी। धन लाभ निश्चित रूप से होगा और बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अचानक यात्रा का संयोग बन रहा है। शनि देव की कृपा पाने के लिए उनकी प्रतिमा पर आपको चाहिए कि नीले फूलों की माला, शनि देव का स्वरूप नीला है, उन्हें नीले रंग के पुष्प अति प्रसन्न है, नील कमल शनि देव को समर्पित किया जाता है, ऐसे में नीले फूल चढ़ाएं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का जलाभिषेक करके जल में कुसा डाल दीजिए तो कुशोदर बन जाएगा। जिस कुसा से लोगों को पवित्र और मार्जन किया जाता है उसी को कुसा कहते हैं। जल में अगर उसे आप डाल देंगे तो कुशोदक बन जाएगा और उससे आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करिए। हर श्रृंगार के फूलों का इत्र भी शिवलिंग पर लगाना चाहिए। हर श्रृंगार के फूल का यदि इत्र आपके पास हो तो एक रुई के फाहे में इत्र को लगा करके ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, अगर आप 11 बार महामृत्युंजय के मंत्रों को पढ़ते हुए और भगवान शिव के ऊपर इत्र चढ़ाएंगे तो आप विश्वास कीजिए बड़ी से बड़ी बीमारी को भी आप सुमंत्र कर पाएंगे। निश्चित रूप से दीर्घ काल से चली आ रही बीमारी भी समाप्त होगी और प्रसन्न चित्त होकर के आप अपना शेष जीवन जिएंगे।